युवाओं ने निकाली धूमधाम से गणपति विसर्जन जुलूस। आज दिनांक जबलपुर में युवक एवं युवतियों ने निकाला धूमधाम से गणपति विसर्जन जुलूस। गणपति विसर्जन में लगभग 200 से अधिक युवक एवं युवतियां उपस्थित रहे। राम जरारिया ने बताया, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के दाता हैं और यहां अभी युवक युवती विद्यार्थी के रूप में अपने अपने लक्ष्य एवं अपने सपनों को लेकर आए हैं। मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ। सभी ने राम अकेडमी होम साइंस कॉलेज में पहले भंडारे का प्रसाद ग्रहण एवं वितरण किया, फिर डीजे और बाजे गाजे के साथ गणपति महाराज को विसर्जन हेतु ग्वारी घाट भटोली कुंड में विसर्जन किया। सभी युवक एवं युवतियां सिविल सर्विस की तैयारियां कर रही हैं और सभी अपने अपने शहर से जबलपुर में शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। गणेश उत्सव में परिवार में सम्मिलित ना हो पाने के कारण उनका एक दुख तो था, लेकिन इन युवक युवतियों ने जबलपुर को ही अपना घर मान लिया और सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गणपति विसर्जन जुलूस में हिस्सा लेकर धर्म एवं शिक्षा का उचित परिचय दिया है। सभी ने नगर वासियों को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी और रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश भगवान से विश्व को शांति एवं सुख देने की कामनाएं भी की। आज हमने गणेश विसर्जन के इस शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थियों ने मिलकर और हम सभी ने मिलकर एक धूमधाम से इस आयोजन को कर रहे हैं और हम यहाँ सभी बच्चों का हमने भंडारा किया है और साथ में अभी हम गणेश जी को धूमधाम से विसर्जन के लिए ले जाने वाले हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि गणेश जी एक बुद्धि के दाता हैं, ताकि सभी विद्यार्थियों को एक सद्बुद्धि दें और सभी में एक पॉजिटिव एनर्जी आए, ताकि जो विद्यार्थी यहाँ एक लक्ष्य को लेकर आए हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। क्या कोई संदेश देना चाहते हैं आप छात्रों को? छात्रों से बस यही कहना है, अपने लक्ष्य को लेकर लगातार केंद्रित को बनाए रखें और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे दूर रहें और इस प्रकार के जो सकारात्मक कार्य हैं उनको करते रहें, ताकि एक पॉजिटिव एनर्जी मिले और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राम जरारिया, मैं डायरेक्टर जबलपुर से। नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।